पूरे पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। और वो मेरे बारे में हर आर्टिकल में बुराई 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 चल रहा था। जब इतना बुरा लिखा गया मेरे बारे में, तो मुझे वो फेस और नाम को एक जोड़ के रखना पड़ा। सलमान खान रिएक्शन ऑन मीडिया एंड लॉरेंस बिश्नोई। सलमान सर, आप पूरे इंडिया के भाईजान हो, आपको जो धमकियां मिलती है उसे कैसे देखते हैं? पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। अरे भाईजान उनके लिए है जो के भाई हैं, और उनके लिए है जो के हम बहन बनाना चाहते हैं। Well, thank you so much. Thank you. My problem at that point in time was that I knew names but I didn't know faces with those names. अभी तक वो problem चलता है। तो अभी बीच में ही ऐसा हुआ है कि मैं एक face को जानता था लेकिन उसका नाम नहीं जानता था, और वो मेरे बारे में हर आर्टिकल में बुराई 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 चल रहा था। और फिर वो एक किसी पिक्चर के लिए करीबन 1.5 साल पहले वो एक इंटरव्यू के लिए आई, और फिर किसी ने उनका नाम पीछे से बुलाया तो वो घूमी, तो ऐसे अच्छा आप हो। तो ऐसे ही ये हुआ था। उस वक्त नाम और फेस का दोनों का मिलाप नहीं था, अब है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब इतना बुरा लिखा गया मेरे बारे में, तो मुझे वो फेस और नाम को एक जोड़ के रखना पड़ा। आइए पूछिए अब। हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट, और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का भाग किसी के चल तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। भाई देवे किसी किसी का भाई किसी की जान के गाने सुने आपने, है ना? अब ट्रेलर भी आएगा, हाँ उसके बाद 21 तारीख को फिल्म भी आएगी। The 68th Filmfare Awards 2023 press conference with superstar Salman Khan. And I've been hearing this for a long time, कि हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही,
खराब पिक्चर बना गए थे, कैसी चलेगी यार? सिंपल है, पिक्चर वो बनाओ। अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगले आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है। आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है। हमको देखना है हिंदुस्तानी कंटेंट, और ये अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म किसी का बात किसी की चल तो ये मुझ पे भारी नहीं पड़ना चाहिए। इनफैक्ट सलमान आपको बड़ा बड़ा बोल रहा था कि ये कौन सी पिक्चर है बना और ये देखो इन्होंने क्या खुद बनाया है। तो 21 तारीख को रिलीज हो रही है किसी का भाई किसी की जान, ये मटेरियल रख लेना भाई, शायद काम आए। फिल्मफेयर के फंक्शन में बड़ा बड़ा बोल रहा था कि कंटेंट अच्छा नहीं है, आपने क्या बनाया है। ट्रूथ इज हमने बहुत मेहनत की है इस पिक्चर के ऊपर, और हर एक कोई करता है, लेकिन अब जैसे कि ये कुछ पिक्चरें चली हैं अब जाके वापस से, क्योंकि वो हमारी हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जो पिक्चर चली है वो हमारा कंटेंट है, वो 30-40 लोग फैमिली के देखने जाते हैं वो फिल्में। एक ऐसी फिल्म जो कि इतना पैसा खर्च करो और फिर उसके अंदर एक इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, यू नो, तो वो नहीं चलती। और आजकल टिकट प्राइसेस भी इतनी महंगी हो गई हैं कि यू वांट टू गो एंड सी लाइक अ बिग लार्ज फेस्टिव फिल्म जिसमें इमोशन हो, ड्रामा हो, गाने अच्छे हो।